मेरा एक छोटा सा स्टडी है और ये सारा का सारा सर मैं हमारे रिस्पेक्टेड जिन लोगों को सुन सुन के हम यहाँ बड़े हुए हैं वो सब लोग सामने बैठे हुए हैं और ये मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ एक दो लाइन आप लोगों के सामने कह पा रहा हूँ। आई एम द ओनली द फर्स्ट पर्सन इन इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन इलेक्टेड मेंबर इन मोर ओनली 8 मेंबर्स इन ऑल ओवर इंडिया। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री कल्चरल फेस्ट होता है जयपुर में, उसी तरीके का उनका बजट होता है 1 करोड़, हमारा इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन का बजट होता है 9 करोड़ एंड देयर इज मोर देन 30,000 मेंबर्स। तो आई एम ओनली वन पर्सन ऑन दैट टाइम की कंटेस्ट किया मैंने इलेक्शन और जीत गए। अंदर जाके ये फील हुआ कि व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट प्रेजेंट इन कल्चर एंड इन पॉलिटिक्स, आपका इन्वेस्टमेंट का रोल कितना है। बहुत कम टाइम लूंगा सर, कन्फर्म है मुझे, और ये मैक्सिमम मैं बोल भी इस पा रहा हूँ कि रतनलाल सर के पास जाते थे रतनलाल सर बार बार एक ही बात बोलते थे कि आप कुछ बोलने से पहले थोड़ा पढ़ के आओ, और सर उसका एक रिप्लाई है मेरे पास, मैं आज जो बोल रहा हूँ पढ़ के बोल रहा हूँ। फर्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे डीकी के मेंबर से ही, थैंक यू सर आपने इतना अच्छा अच्छा बात बताया, बट ये आप ही का स्टडी है, क्रिटिसाइज करना मेरा राइट है वैसे, लेकिन उस चीज को नहीं, डिक्की ने इतना अच्छा स्टेप किया, बट गवर्नमेंट टिल नाउ आज भी डिक्की का मार्केटिंग करने में डिस्क्रिमिनेशन करता है। आज की प्रेजेंट सिचुएशन में भी डिक्की का किसी भी अपने लोगों में 1% भी, 1% भी किसी बैलेंस शीट में जिक्र नहीं होता कि डिक्की का मार्केटिंग ये हो जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। वो आरएसएस के मंदिर का कर देगा पूरा प्रचार, कुंभ में 4200 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन डिक्की के लिए सिंगल पैसा भी नहीं देगा कि आपकी इतनी अवेयरनेस जाए सोसाइटी में। फर्स्ट पॉइंट, ये सर पॉजिटिव ही हमारे लिए कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम अकेले अपने आप इन्वेस्टमेंट करें, और ये हमारे जितने भी यंग बहुजन है उनके लिए है। 500 persons पे मैक्सिमम आज की डेट में वो असिस्टेंट प्रोफेसर कन्वर्ट हो चुके हैं, सीनियर प्रोफेसर्स भी हैं और रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं। सब चीजों को कवर नहीं कर पा रहा हूं, बट 500 का मेरा पर्सनल प्राइमरी डेटाबेस रिसर्च है जिसको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। 500 में से 80% लोगों ने जितने जीआरएफ आरजीएनएफ ये सब लिया और उसको हजम कर गए 2 या 3 साल में। उन लोगों के पास, सिंगल आदमी के पास भी डेफिनेशन नहीं है कि मेरे रिसर्च में मेरे टॉपिक की मेरी 2 लाइन ये है। That's true. एक भी सब्जेक्ट का डेफिनेशन नहीं है, कोई हमारी पीएचडी ऐसी नहीं है और कोई हमारा रिसर्च पेपर, रेयरनेस सब जगह पे है, ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हुआ हो। हम काम कर रहे हैं नो डाउट, और हम औरों से अच्छा भी करेंगे सबके बावजूद, लेकिन उसके बाद भी हमें पता है कि हम समाज में हाशिए पे हैं, तो हमारा वो कल्चरल इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हमें अभी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से करें। दूसरा ये है सर कि जितने लोगों को आरजीएनएफ और जेआरएफ और ये सब चीज मिला, उन्होंने उस पैसे से हो सकता है पेंट शर्ट अच्छी खरीदी हो, मोबाइल अच्छा खरीदा हो, घर वैसा के वैसा ही रहा। 30,000 का जो मिलता है तो हम सोचते हैं कि पैसा घर पे आएगा वापिस, लेकिन 40,000 तक हमें वो जेआरएफ आरजीएनएफ मिला, लेकिन उस घर में कोई चेंजेस नहीं आया, वो सोशल और कल्चरल वैसे ही बैकवर्ड रहा, और आपको 1,000 स्कॉलरशिप मिलती है पर ईयर, और लास्ट आई थिंक सुखदेव सिंह थोराट जी के टाइम से मिल रहा है, बहुत कम टाइम भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बहुजन का जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में आपका परसेंटेज 1% है तो आप चेंज क्या करेंगे? शेयर मार्केट में हमारा परसेंट 1% का ओनली, और वो लोग 90% पे है। आप हम सब अच्छी अच्छी ड्रेस में इसलिए आ पाए हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी थी वो सैलरी बेस ही है, हम लोग जो आगे आए हो सैलरी बेस्ड प्रोपोजिशन के थ्रू आए, और ये सच्चाई है, मानना पड़ेगा, इसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो सिचुएशन क्रिएट की वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था कि रिजर्वेशन मिले, वो इसीलिए था कि एक लेवल पे आके अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलप हो गया तो
तो आप वो काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास एक फिक्स साइकोलॉजी बैठी है कि मेरी पर मंथ इतनी सैलरी आनी है, तो मैं एक थोड़े से तरीके से फ्रीडम के साथ अपने आप को खुल के पब्लिक में, समाज में पेश कर सकता हूं। नेक्स्ट हो गया सर टाइम। इसी में है सर पॉलिटिकल, शेयर कैपिटल हमारा बिल्कुल जीरो है। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं LIC पॉलिसीज में है, सब चीजों में है। बहुजन का इसमें भी रेशियो 2% तक है, वो भी गलती से कहीं पॉलिटिकल सॉरी LIC वगैरह इस टाइप के एजेंट बन गए तो नौकरी नहीं थी, ये भी सच है सर उतना ही। नेक्स्ट है सर, मैं खुद उसमें होल्डर हूं जब पेट्रोल पंप निकले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेट्रोल पंप आया था, उसमें एक पेट्रोल पंप बाय चांस लगी मैं भी था, लेकिन वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसकी भी टर्म कंडीशन वैसी ही थी जिसमें एक नॉर्मल गरीब आदमी उसको फेस नहीं कर सकता। देयर इज ओनली टू पेट्रोल पंप ऑन दैट टाइम, वन इज द मिस्टर अशोक कुमार आर्य फ्रॉम हरियाणा MD यूनिवर्सिटी रोहतक एंड सेकंड इज मी, because this type of allotment on behalf was the post graduation on that time, ye jo allotment tha wo post graduation ke base pe tha, ek ye tha sir। to mera simple ek study tha ki jo bahujan hamare SC ST OBC communities uska investment ka profile hai kya, hum ja kahan pe rahe hain, aapke paas saving nahi hai, aapke paas proper saving nahi hai, to at least apne shabd ki hi saving kar lijiye, academics hi saving kar lijiye, अपना रिसर्च का सेविंग कर लीजिए, फाइनेंशियल सेविंग सब चीजें नहीं है, जितना सेविंग आप करेंगे वो वापस रिटर्न मिलेगा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, दुनिया का कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न करेगा। आप अपने ऊपर जितना खर्च करेंगे, जितना पॉजिटिव खर्च करेंगे, आपको उसका रिटर्न मोर देन 100% रिटर्न मिलेगा। और ये आपके सामने जितने हमारे बहुजन लीडर्स हैं उसके सब, वो आपको भली बात इस चीज को क्लियर भी कर रहे हैं, जितना उन्होंने किया उसके ज्यादा हम लोगों को मिल रहा है, उसका इफेक्ट उनको तो मिल ही रहा है, हमें उनसे ज्यादा मिल रहा है क्योंकि हम निडल होके उस जो हमें मिला है अपनी विरासत में उसको एक्सपोज भी कर रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं साथ में। लास्ट पॉइंट इसमें यह है सर, कंपनी एस्टेब्लिशमेंट में हम जीरो है अभी तक। जितना किसी एक बुक पढ़ा था मैंने 20-20 टॉप दलित करोड़पति बुक आया है, आई डोंट नो अबाउट दैट, और अभी भी है वो बुक मार्केट में। उनके एम्प्लॉयमेंट में 3% रिजर्वेशन है, उनके यहां पे जो काम करते हैं लोग वो 3% SC ST OBC है, बाकी सारा का सारा वही है। तो फिर आप उस चीज का झंडा भी मत उठाइए कि हम करोड़पति हैं, नहीं ये थोड़ा सा ठीक करो इसको, नहीं बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है सर, मैं बता दूंगा नाम के साथ और डेटा के साथ। मेरा कहना वो नहीं है कि वो गलत है, मेरा कहना ये है कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन जब देते हैं तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपनी कंपनी में लॉन्च करें और जो अनस्किल्ड लेबर है उसको स्किल्ड में कन्वर्ट करें ताकि उस चीज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन मिले और उसका लाभ भी मिले। और लास्ट में ये है सर, एप्लीकेशन फॉर पार्ट लोन्स, जितना एप्लीकेशन हमारा अभी जो मुद्रा लोन्स का है वो एप्लीकेशन का रेशियो है नियर अबाउट करोड़ में, और उसका इंप्लीमेंटेशन का रेशियो है 1-2%, क्योंकि उसका भी क्राइटेरिया सर फिक्स है। आपको गवर्नमेंट 1 करोड़ कोई भी कितने लोग हैं हमारे जानकारी उसमें सर ने बताया, उनको छोड़ के जिनको लोन मिल गया मुद्रा लोन का, एक भी आदमी आगे नहीं आ रहा कोई भी आके बोल के कि मुझे मिला है, सच्चाई तो ये भी उतनी है। और लास्ट पॉइंट है सर, अब मैं खत्म कर रहा हूं, PSU में खाली एकेडमी के में NFS नहीं होता, इंडस्ट्री में भी NFS होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2% होता है मैक्सिमम, और 2% आपको पर मैंडेटरी है कि कोई भी PSU उसको 2% कंपलसरी है कि उसका 2% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। सबके लिए नहीं है, 3 conditions भी है। PSU अपने आप में कंडीशन है सर, PSU अपने आप में कंडीशन है। देयर इज आप भी कॉमर्स के, मैं भी कॉमर्स का हूं, 100 करोड़ जिसका रिटर्न है तो PSU कोई ऐसी है ही नहीं जिसका 100 करोड़ से कम हो। 1000 करोड़ है हर एक PSU का एनुअल टर्नओवर,
ONGC संबित पात्रा टीवी में डिबेट करते हैं, उसका एनुअल टर्नओवर 47,000 करोड़ है। 2% आप काउंट कर लीजिए, 2% उसका कंपलसरी है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोसाइटी के फेवर में। लेकिन वहां पे भी नहीं है, वहां एनएमएस ने इसलिए बोला कि आपने लास्ट में बोला था कि सर हमारे लोग मिलते नहीं है कि पीएसयू का जो 4% है उसको परचेज करें या उसको यूज करें। उसको हम सर यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमें जिस तरीके से डेवलप किया है, वो बैकअप और रिस्क और रिटर्न का जो प्लान है वो हमारे पास नहीं है, वो सच में हमारे पास नहीं है। अगर आज जैसे धनराम सर है, हम लोग हैं, जितने भी हैं, आज हमारे पास 1 करोड़ पैसा भी इकट्ठा हो गया तो एक घर में खत्म, एक ही घर में, एक फ्लोर में ही खत्म। अगर उसका कुछ बैकअप प्लान नहीं मिला तो फिर मैं तो बर्बाद। ये जो सिक्योरिटी है प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट तभी प्रोवाइड की जब हम इस तरीके से यूनाइट होके एक आवाज को बुलंद करेंगे। हो सकता है मेरा किसी जगह पे कनेक्ट ना करे, देन सॉरी, बट मेरा ऑब्जर्वेशन इसके अकॉर्डिंग यही था।